हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल। आजकल एंडोमेट्रियोसिस बहुत कॉमन हो गया है, 10 में से एक महिला के अंदर एंडोमेट्रियोसिस देखने को मिल रहा है और टीनेज के अंदर भी काफी कॉमन हो गया है। तो टीनेजर्स हमारे पास फ्रीक्वेंटली आती हैं और बोलती है कि हमारे पीरियड्स में बहुत पेन हो रहा है, हमसे सहन नहीं हो रहा है, हमें बार बार मेडिसिन खानी पड़ रही है, हम पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे, हमारे करियर के लिए जो भी कोई काम हम लोग कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं कर पा रहे, उसमें प्रॉब्लम हो रही है, बार बार ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना पड़ता है कि क्या वास्तव में एंडोमेट्रियोसिस है या और भी कोई कारण है जिसकी वजह से उनको पीरियड्स के दौरान पेन हो रहा है। क्योंकि पीरियड्स के दौरान यदि पेन हो रहा है तो एंडोमेट्रियोसिस द मोस्ट कॉमन थिंग जो कि मिलती है। लेकिन एंडोमेट्रियोसिस के अलावा भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पीआईडी हो सकता है यानी कि इन्फेक्शन हो सकता है, कोई पॉलिप हो सकता है, कोई फाइब्रॉइड हो सकता है या कोई ट्यूमर हो सकता है। तो जब एक सोनोग्राफी आप लोग करवाएंगे अपनी तो क्लियर कट पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, यानी कि अंदर कोई फाइब्रॉइड है, पॉलिप है, ओवेरियन सिस्ट है या और कुछ है, तो सोनोग्राफी में क्लियर कट दिख जाएगा तो उसका इलाज हो जाएगा। लेकिन यदि आपको मोटे तौर पर कोई बीमारी नहीं दिख रही है और फिर भी टेंडरनेस है, यानी कि जब हम टीवीएस करते हैं, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं, तो जब डीप उसको इंसर्ट करते हैं तो बहुत पेन होता है, तो उसको डीप टेंडरनेस बोलते हैं, वो कई बार एंडोमेट्रियोसिस का इंडिकेटिव होता है, वो कई बार एंडोमेट्रियोसिस को इंडिकेट करता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग फिर एंडोमेट्रियोसिस के हिसाब से मेडिसिन चालू करके देखते हैं, तो उससे कई बार उनको रिलीफ आ जाता है, कई बार नहीं आता है। जनरली अगर एंडोमेट्रियोसिस होता है और शुरुआती अवस्था में होता है तो मेडिकेशन से आराम आ जाता है। लेकिन यदि ऐसा कोई एंडोमेट्रियोसिस है जैसे चॉकलेट सिस्ट है, यानी ओवरी के अंदर ब्लड की खून की गांठ बन गई है, वो एंडोमेट्रियोसिस का टाइप होता है, या यूट्रस के अंदर कोई एडिनोमायोसिस बन गया यानी यूट्रस के अंदर क्लॉट्स जमा हो गए हैं, या यूट्रस के आसपास के एरिया के अंदर पीरियड्स के ब्लड के क्लॉट जमा हो गए हैं, और इसके अलावा आंतों के अंदर या आंतों के आसपास के हिस्से के अंदर क्लॉट्स जमा हो गए या एंडोमेट्रियोसिस के पैच बन गए हैं, तो वो ये जो सारी स्थिति है वो जनरली मेडिसिन से ठीक नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में फिर हमें ऑपरेशन प्लान करना पड़ता है। लेकिन फिर भी यंग गर्ल्स के अंदर, टीनेज के अंदर या 25 तक जो भी गर्ल्स हैं, तो उसमें हम एक बार मेडिसिन जरूर ट्राई करते हैं कि यदि ग्रॉसली कोई बीमारी नहीं है, ग्रॉसली कोई गांठ या कोई सिस्ट नहीं है, तो फिर भी हमेशा ट्राई करते हैं कि मेडिसिन दी जाए। जो मेडिसिन दी जाती है उसमें प्रोजेस्टेरोन वाली गोलियां दी जाती है जो 5वें दिन से 25 दिन तक लगातार लेनी होती है, और जब 25वें दिन के बाद में जब बंद करते हैं तो 1-2 दिन के अंदर पीरियड्स आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार यदि पीरियड्स में पेन ज्यादा होता है तो इन गोलियों को लंबा भी चलाया जा सकता है, यानी कि 1.5-2 महीना या 3 महीना लगातार भी ली जा सकती है, जिससे कि पीरियड्स ना आए और बार बार उनको पीरियड्स का पेन ना हो। दूसरा, 21 दिन वाली जो गोलियां होती है वो भी दी जाती है, वो भी बहुत अच्छी होती है, उनको भी लगातार लिया जा सकता है और 2-3 महीने तक लगातार लिया जाता है, और बीच के 1-2 पीरियड्स को आप स्किप कर सकती हैं जिससे कि पीरियड्स का पेन नहीं होगा। तीसरा, डाइनोजेस्ट नाम की एक गोली आती है, वो भी दी जाती है, वो 2 मिलीग्राम की होती है, उसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, स्पेसिफिकली एंडोमेट्रियोसिस के लिए डिजाइन की गई है, उसको लगातार लेना होता है, उसको बंद नहीं करना होता, बीच बीच में उसमें नॉर्मल अपने पीरियड्स आते हैं लेकिन पीरियड्स का अमाउंट कम हो जाता है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन भी लगते हैं जो 3-3 महीने में लगाए जाते हैं, उससे भी काफी हद तक रिलीफ मिल जाता है। तीसरा एक इंजेक्शन होता है जो GnRH इंजेक्शन होता है, वो हर महीने के 28 दिन में एक बार लगाया जाता है और वो 3 महीने तक लगातार लगा सकते हैं, फिर उसके बाद में 1-2 महीने का ब्रेक देना पड़ता है और 3 महीना और लगाया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं लगाते क्योंकि उससे जो बोन्स होती है उनमें ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होता है, यानी कि हड्डियां थोड़ी सी कैल्शियम का डिपोजिशन वो कम करता है, इसलिए वो ज्यादा सेफ नहीं होता, इसलिए हम उसको ज्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं। तो सबसे सेफ गोलियां होती है कि या तो आप 21 दिन वाली गोलियां ले लीजिए या ओनली प्रोजेस्टेरोन वाली जो गोलियां आती है वो ले सकते हैं, और नहीं अगर बार बार गोलियां नहीं ले सकते तो आप इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं जो हर 3 महीने में एक बार लगवाना होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है, सेफ होता है। अब यदि आपको पीरियड्स के दौरान पेन हो रहा है प्रोजेस्टेरोन लेने के बाद भी, तो जो पेन किलर गोलियां होती है 3 दिन तक वो भी ली जा सकती है, जिससे कि आपका पेन आपको फील ना हो और आपके 3-4 दिन आराम से निकल जाए। अब यदि किसी को गोली लेने से पीरियड्स में आराम आ जाता है, दैट्स ओके, बट कई बार इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है क्योंकि गोलियों से रिलीफ नहीं मिलता है। अब यदि आपको 1-2 इंजेक्शन लगाना पड़ता है, दैट इज कैन बी ऑल्सो ओके, बट यदि आपको पूरे 3 दिन तक या 4 दिन तक सुबह शाम दोपहर 3 या 4 बार इंजेक्शन लगवाने पड़ रहे हैं और आपको काम पे आप नहीं जा पा रहे हैं, आपको छुट्टी लेनी पड़ रही है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो डेफिनेटली ये इसको इंडिकेट करता है कि मेडिसिन बिल्कुल काम नहीं कर रही है और अब आपको सर्जरी की जरूरत है। और सर्जरी की जिसको जरूरत होती है उसके लिए कि हमने पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप
उस पर जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर्जरी में हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या पोस्ट ऑप में हमें परहेज रखने होते हैं, तो सारा डिटेल्ड आपको वहां मिल जाएगा। लेकिन मेडिसिन यंग एज में जरूर ट्राई करनी चाहिए। मेडिसिन से नहीं बेनिफिट होता तो देन ओनली गो फॉर द सर्जरी, क्योंकि सर्जरी यदि एक बार हो जाती तो देन ऑल्सो इट इज नॉट ए गारंटी कि दोबारा आपकी सर्जरी नहीं होगी। तो हमारा ये कोशिश रहता है कि सर्जरी पोस्टपोन हो जाए, लेकिन सर्जरी पोस्टपोन करने के चक्कर में हम हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं खराब कर सकते, हमारी जिंदगी में हम दर्द नहीं सहन कर सकते, और बहुत ज्यादा दर्द है तो डेफिनेटली सर्जरी करा लेनी चाहिए, क्योंकि सर्जरी दूरबीन से होती है, जनरली उसमें किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं बताया जाता है, और सर्जरी के बाद डेफिनेटली पेन में आराम मिल जाता है। इट इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड पॉइंट, वेल एस्टेब्लिश्ड थिंग कि सर्जरी इज द ओनली क्योर फॉर द पेन ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। और यदि आपको फाइब्रॉइड पॉलिप या और कुछ है तो उनमें भी सर्जरी ही होनी है, उनमें कोई मेडिसिन नहीं दी जाएगी। अननेसेसरी मेडिसिन लेके अपना टाइम ना खराब कीजिए और बीमारी को पाले पोसे ना, क्योंकि जब भी आप बीमारी को पाल पोस कर बड़ा करते हैं तो आप ही को नुकसान करती है, सर्जरी का टाइम बढ़ जाता है, कॉस्ट बढ़ जाता है और बेनिफिट कम हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना कीजिए। यदि आपको लग रहा है कि पीरियड्स में पेन इतना ज्यादा है जो असहनीय है तो सर्जरी यदि डॉक्टर ने बताई है तो करवा लीजिए, और यदि मेडिसिन ट्राई करनी है तो 2 से 3 महीने आप ट्राई करके असेसमेंट कर सकते हैं कि बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और यदि बेनिफिट नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली सर्जरी चूज कर लेनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट आगे की जिंदगी हमारी पेन फ्री हो सके, क्योंकि हमारा एक ही गोल है कि सब लेडीज पेन फ्री हो और पेन फ्री के साथ ही सर्जरी भी पेन फ्री हो। क्यों? क्योंकि हम यहाँ दर्द सहने के लिए बिल्कुल नहीं आए, हम अपनी जिंदगी एंजॉय करने के लिए आए। तो लेट्स एंजॉय योर लाइफ एंड बीइंग विद अस ऑन आवर यूट्यूब चैनल। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।